फॉक्सटेल मिलेट को कंज्यूम करने से क्या होता है कि सबसे पहले शुगर लेवल को कम किया जाता है, इसका एग्जैक्ट अगर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग को हमारा जो मिलेट का खेती है उसको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। मैं आज जा रहा हूं खेत क्योंकि अभी मिलेट पक गया है। इसका मैंने जब मिलेट शोन किया था तब ऑलरेडी एक ब्लॉग बनाया था, जब नया खेती, जब नया फेस्टिवल, जब हम लोग का जो मिलेट फेस्टिवल होता है जिसको कोहाय कहते हैं, उसका मैंने एक ब्लॉग बनाया था। मैं उसका लिंक भी नीचे दे दूँगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोग को हमारा जो मिलेट फील्ड है उसको दिखाऊंगा और मैं बताना चाहूँगा हमारा जो खेत होता है वहाँ पर मिलेट बोने से टू टाइप्स ऑफ मिलेट को लगाया जाता है। एक होता है प्रोसो मिलेट एंड एक होता है फॉक्सटेल मिलेट, जो कि बहुत फेमस है आजकल ये फॉक्सटेल मिलेट। तो मैं आज वही आप लोग को दिखाऊँगा कि हमारे खेत अभी नया क्या क्या निकल रहा है, क्या क्या लगा के हैं, और चलिए सब कुछ ये सब दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी इतना सारा मिलेट है। ये तो शुरुआत है। अभी हम लोग जा रहा है खेत। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा बहुत सारा मिलेट। जो तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो काला जो ये अलग टाइप का ही है, आप लोग देख सकते हैं ये एक अलग ही टाइप का है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर ग्रीन, ये भी बोला जाने से ये सब फॉक्सटेल मिलेट ही है लेकिन डिफरेंट टाइप्स, मतलब थोड़ा सा उसका टाइप जो थोड़ा अलग है। और मैंने सुना ये जो हेयर वाला जो मिलेट है ये खाने के लिए बहुत मज़ा है। एक बार मैंने सुना है कि बहुत अच्छा मिलेट हुआ है, मतलब अलग साल का कंपेयर में। देखिए आप देख सकते हैं कितना मिलेट निकल के है। और हमारा खेत का व्यू कुछ इस तरह, जो कि पूरा सीनिक ब्यूटी आप कह सकते हैं, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है, आप लोग देख सकते हैं पूरा मिलेट। आप लोग देख सकते हैं पूरा मिलेट, मिलेट से भरा हुआ खेत। और निकाल जाऊंगा ये साल जो हर कोई बहुत खुश है, मतलब जितना भी दीदी लोग है, माँ लोग है, वो लोग जो बहुत खुश है क्योंकि ये बार मिलेट बहुत अच्छा हुआ है। सभी का खेत में, मैक्सिमम का खेत में सुनने मिल रहा है कि बहुत अच्छा मिलेट हुआ है। तो और आजकल तो मिलेट का यहाँ पर बहुत डिमांड हो गया है, सबको पता है, मतलब मिलेट का ही पूरा चर्चा है हर जगह। तो आप देख सकते पूरा मिलेट। और अभी हम लोग का खेत तो पहुंचा नहीं है क्योंकि हम लोग का खेत सबसे लास्ट में है। फ्रेश वाटर, ये है प्रोसो मिलेट, जो कि हमारे यहाँ स्पेशली ईस्ट केक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको इतना खाता नहीं है हम लोग, मतलब फूड के लिए कंज्यूम नहीं करता है ये, हम लोग ईस्ट केक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि ईस्ट केक ऑलरेडी मालूम है आपको, अल्कोहल वगैरह, राइस बियर, सो मतलब राइस बियर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है।
तो आप देख सकते हैं ये है फॉक्सटेल मिलेट, ये है प्रोसो मिलेट। तो हम लोग अभी आधा रास्ता क्रॉस कर चुका है, अभी हम लोग का खेत पहुंचने वाला है। हम लोग का खेत वहाँ पे है, वहाँ से नीचे जाएंगे वहाँ, और जो आपको ग्रीन ग्रीन जो ट्रीज दिखाई दे रहा है वो नेक्स्ट ईयर वो खेत करेंगे। काफ़ी थक गया मैं, आपको फिर से बताना चाहूँगा ये है प्रोसो मिलेट। देखिए आप देख सकते हैं ये कुछ अलग ही है प्रोसो मिलेट, और ये तो मेज अभी थोड़ा सा नरम है, इसको थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद खाने से बहुत टेस्टी होगा। और वहाँ से मेरा एक बड़ा दीदी चिल्ला रहा है, वहाँ में है दिखाई नहीं दे रहा है बहुत दूर, और बड़ी माँ यहाँ पे प्रोसो मिलेट काटते हुए। ये पूरा प्रोसो मिलेट, तो हम लोग का खेत अभी पहुंचने वाला है, पहुंच ही गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा मिलेट ग्राउंड, आप कह सकते हैं ये एक मिलेट ग्राउंड है। यहाँ पर बहुत सारा मिलेट आपको दिखाई, कुछ तो शायद काट दिया गया है क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ मैच्योर हो चुका है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है मैक्सिमम मेरा दीदी लोग भैया लोग कट चुका है, लेकिन अंदर में फिर बहुत सारा है, यहाँ पर नहीं काटा है और यहाँ पर कट चुका है, क्योंकि ये भैया लोग का खेत है फिर अलग, और यहाँ पर फिर अलग खेत है। और ये हट जो है हम लोग बैठने के लिए स्पेशली बनाया जाता है, ये जो है ये खेत में बैठने के लिए, जब बारिश होता है तब धूप देता है खाना खाने के लिए इसमें बैठा जाता है। और वो रहा लोंगडिन जाने का रास्ता, और वहाँ पर कोकान बस्ती होना था, लेकिन यहाँ पर ये है फॉक से दिखाई नहीं दे रहा। और ये जो ग्रीन पेड़ जो दिखाई दे वो नेक्स्ट ईयर नया खेत होगा। फिर तो मैं अभी आप लोग को बताना चाहूँगा ये फॉक्सटेल मिलेट का एग्जैक्टली इम्पोर्टेंस क्यों इतना बड़ा है। पहले ज़माने में हम लोग क्या होता था कि हम लोग सिर्फ राइस बियर बनाने के लिए यूज़ किया जाता था ये फॉक्सटेल मिलेट को, क्योंकि फॉक्सटेल मिलेट का राइस बियर बनने से क्या होता है कि ग्रीन से मीठा से कलर होगा ग्रीन, और बहुत मीठा होता था। तो पहले में जो भी हम लोग मिलेट को ज़्यादातर हम लोग जो है राइस बियर बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल तो है बहुत सारा इसका इम्पोर्टेंस धीरे धीरे मालूम चल रहा है हर किसी को, जैसे कि हम लोग आजकल डाइट ठीक से मेंटेन नहीं होने की वजह से हो या क्या हो गया पता है, लेकिन बहुत सारा डायबिटिक पेशेंट भी निकल गया है। तो ये फॉक्सटेल मिलेट को कंज्यूम करने से क्या होता है कि कैमरामैन प्लीज, फॉक्सटेल मिलेट को कंज्यूम करने से क्या होता है कि सबसे पहले शुगर लेवल को कम किया जाता है। इसका एग्जैक्ट अगर मैं इतना तो नहीं जानता, लेकिन ये कंज्यूम फॉक्सटेल मिलेट को कंज्यूम करने से क्या होता है कि ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब स्लोली डाइजेस्ट होता है, और जिसका वजह से हम लोग को इतना जल्दी भूख नहीं लगता या शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और इसका बहुत सारा बेनिफिट्स है। तो अभी धीरे धीरे सबको मालूम चल रहा है कि फॉक्सटेल मिलेट का कितना इम्पोर्टेंस है, तो आजकल इसलिए हम लोग तो वैसे पहले से ही ये मिलेट को तो लगाते थे, लेकिन आजकल ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस जानता है। और एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा, हमारे खेत में जो है मैंने पहले से आप लोगों को बताया कि मिलेट जो टू टाइप्स का शोन करते हैं, एक होता है प्रोसो मिलेट। प्रोसो मिलेट तो क्या होता है कि बस वो एक राइस ईस्ट केक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आप सभी को मालूम है बिना ईस्ट केक का तो ये राइस बियर नहीं बनता है, तो ईस्ट केक को बनाने के लिए ही प्रोसो मिलेट को यूज़ किया जाता है। उसका अलग से इतना हम लोग कंज्यूम नहीं करते, ऐसे फूड उसको हम लोग कंज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन ये फॉक्सटेल मिलेट को आजकल धीरे धीरे इसका इम्पोर्टेंस जान के बहुत सारा मतलब कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। और आजकल जो इसका बहुत सारा स्वीट्स भी बनाया जाता है, जैसे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग होते हैं वो लोग बहुत सारा स्वीट्स बना के इसको जब मार्केट में लेके गया तो बहुत डिमांड है, बहुत टेस्टी होता है, तो ऐसा कुछ आजकल बहुत डिमांडिंग हो गया, इसलिए
हर कोई खेती बहुत अच्छा से और अच्छा से करते हैं, मतलब पहले भी अच्छा से करता था लेकिन आजकल और अच्छा से करते हैं, जिसको ऐसे ये साल तो दिखने मिला है कि हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा मिलेट निकला है, बहुत सारा मिलेट और बारिश दे रहा है। और हम लोग का खेत में आज क्या क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है कच्चू, ये अभी लगाया हुआ, इसका कुछ महीना बजे अच्छा से मैच्योर हो जाएंगे। और स्वीट पोटैटो बहुत लगाया जाता है। वेजिटेबल्स तो आपको बहुत सारा मिलेंगे, चाहे पम्पकिन हो, बैंगन हो, टमाटर हो, मिर्चा हो, जिंजर हो, आपको मतलब एवरी टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स आपको मिलेंगे। और मैं ये भी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, जिसका वजह से मतलब हर चीज़, हाँ ये एनवायरनमेंट के लिए तो शायद इतना अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो नहीं है, लेकिन हमारे खेती करने वालों के लिए ये जो है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बहुत साल हम लोग 7-8 ईयर्स गेप करने के बाद वापस आने से यहाँ का जो मैन्यूर होता है वो अच्छा से मिलता है, क्योंकि जिस साल में गेप करते हैं तो उसका वजह से जो भी हम लोग लगाता है वो ज़्यादातर अच्छा होता है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो हम लोग का जो खेत का हट होता है उसका सामने में ही लगाया जाता है, चाहे आप ये मिर्चा बोल सकता है या जिंजर आप कह सकते हैं, टमाटर आप कह सकते हैं, ये सब जो है जनरली मतलब जो हट होता है उसका सामने में लगाया जाता है। और यहाँ पर मेज बहुत सारा अभी निकल रहा है, तो अभी अंदर देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा धान रखा हुआ है, जो काट चुका है वो यहाँ पर रखा हुआ है, स्टोर करके हैं। इसके बाद जब मौसम अच्छा होगा इसको सफा करके लेके जाएंगे। घर से सोच के तो आया था कि बहुत अच्छा से ब्लॉग बनाएगा, लेकिन थोड़ा बारिश दे रहा है जिसका वजह से ठीक से नहीं बना पा रहे, एक बार रुक रहा है फिर बारिश दे रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बार हमारे गांव में जो है बहुत अच्छा, मतलब सभी का खेत में बहुत अच्छा मिलेट निकला है, सबका खेत में एनफ मिलेट निकला है। तो हमारे गांव क्या है कि ये फर्स्ट क्रॉप है, तो बहुत अच्छा सिंबल है ये कि ये बार मिलेट अच्छा हुआ है, उसके बाद जो भी वेजिटेबल्स है वो भी शायद अच्छा से ग्रोन होगा। और नेक्स्ट मार्च में हम लोग फिर पेडी को लगाया जाता है, और अभी जब मिलेट काटेंगे उसके बाद एक फेस्टिवल मनाता है, उसको हम लोग तपकोट कहते हैं, जो रोंगहुन का नाम से जाना जाता है पूरा नुकटे में, लेकिन हम लोग हर किसी का गांव का अलग अलग होता है, तो हम लोग उसको टपकोट बोल के माना जाता है। तो ये बहुत अच्छा फेस्टिवल के लिए भी और ये साल के लिए बहुत अच्छा सिंबल है, मतलब कि मिलेट सबका खेत में अच्छा से निकला है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि मिलेट का इम्पोर्टेंस क्या है, आजकल सभी को पता धीरे धीरे चल रहा है कि मिलेट जो क्यों इतना इम्पोर्टेंट, मतलब कंज्यूम करने से बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है, स्पेशली जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो ब्लड शुगर उसको रेगुलेट करने में बहुत अच्छा काम करते हैं ये मिलेट, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए अच्छा होता है, तो ये और भी बहुत सारा है मिलेट का। तो ये सब का वैसे मतलब धीरे धीरे सब लोग इम्पोर्टेंस जान ले, जिसकी वजह से हर कोई कंज्यूम कर इन द सेंस इसका इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, मतलब डिमांड हो रहा है, क्योंकि पहले में हम लोग जैसे कि मैंने पहले बोला कि हम लोग पहले में बस इसको राइस बियर बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, साल भर स्टोर करता था बस फेस्टिवल के लिए, या जब राइस बियर चाहिए होता है तब इसके लिए लगाया जाता है। लेकिन अभी जो है आदमी कंज्यूम ऐसे फूड कंज्यूम करते हैं तो इसका डिमांड बढ़ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर मतलब मार्केट में भी अवेलेबल हो, मतलब ना धीरे धीरे डिमांड होके सेलिंग में भी आ रहा है, तो ये चीज़ एक अच्छा है। तो अभी फिर मौसम ठीक हो रहा है, तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि इसके बाद मतलब क्या क्या हम लोग का खेत में वेजिटेबल्स ग्रोन कर रहे हैं और क्या क्या अभी निकल रहा है। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये जगह जो पूरा सफ़ा हो गया है, क्योंकि अभी यहाँ का जो है जो मिलेट है वो पक गया है, पकने के बाद काट चुका है, उसके बाद कुछ इस तरह सफ़ा करते हैं। और यहाँ पर अभी फिर वेजिटेबल्स ग्रोन करेंगे, मतलब यहाँ पर फिर वेजिटेबल्स अभी मैच्योर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तारो है यानी कच्चू है, यहाँ पर टेपियोका फिर मैच्योर हो जाएंगे, और यहाँ पर बहुत सारे आप देख सकते हैं जिंजर प्लांट्स है। तो अभी धीरे धीरे ये कुछ महीना जो फिर मिलेट काटने के बाद यहाँ पर जो है वेजिटेबल्स निकलना शुरू करेंगे, बहुत सारा पम्पकिन यहाँ पर, और ये खेत में स्पेशली पम्पकिन का बहुत फेमस है, यहाँ पर मतलब ये खेत में बहुत सारा पम्पकिन निकलता है बोल के जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेज है। तो अभी धीरे धीरे जब
पूरा ये मिलेट पक जाएगा। मिलेट को हटाने के बाद यहाँ पर वेजिटेबल्स निकलेंगे, उसके बाद फिर विंटर आएंगे, विंटर का वेजिटेबल्स निकलेगा, लगाया जाएगा। देन उसके बाद फिर मार्च को ही हम लोग पेडी लगाया जाता है। तो कुछ इस तरह आप देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे मिलेट अभी भी नहीं काटे, मैच्योर नहीं हुआ है, और जो जो अभी यहाँ का हो गया उसको कुछ इस तरह सफ़ा कर चुका है। हमको जो है धान काटना नहीं आता है, काटने के बाद हाँ हम सफ़ा कर सकता है उसको, लेकिन हमको काटना नहीं आता। तो अभी मेरा दीदी काट रहा है और माँ तो रास्ता सफ़ा कर रहा है। तो हम बस व्लॉग बनाने आया है और स्पेशली हम खाना खाने आए, क्योंकि खेत का खाना अलग ही टेस्टी होता है। इसका मतलब कंपेयर में आप चाहे 5 स्टार में खाओ या कहीं में भी खा, लेकिन जो खेती का खाना जो होता है वो अलग ही टेस्टी होता है। तो हम खाना खाने आया है, खाना खाने के बाद धान जो भी सफ़ा करके होगा हम उसको लेके चला जाए। तो मैं बस आप लोग को स्पेशली मेरा मिलेट का खेत, हम लोग का जो लखनऊ का मिलेट का खेत दिखाने के लिए, तो आई होप आप सभी को अच्छा ही लग रहा होगा। तो देखते रहिए, देखिए आप लोग के लिए वीडियो बना बना के हम पूरा थक गया। तो मैं अभी थोड़ा पानी ले रहा हूँ। मैंने ये बनाया है, ये यहाँ पर मैंने डाला है 2 पीस एप्पल का, क्यूकम्बर, लेमन एंड जिंजर, और उसको पानी में स्टोर करके लेके आया, मतलब बोतल में स्टोर करके लेके आया पानी। मैं जूस वगैरह इतना नहीं पीता, तो ये ले रहा हूँ अभी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आप लोग को दिखाया कि हम लोग का मिलेट खेत कैसे दिखते हैं। और अगर आप लोग को जब नया खेत था जब मिलेट को लगाने वाला समय का अगर वीडियो देखना चाहता है, तो मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। एंड आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत रिफ्रेशिंग वीडियो था ये, बहुत हमको भी बहुत अच्छा लगा इसको बनाते समय, क्योंकि ये फर्स्ट सीजन का फर्स्ट क्रॉप है ये, तो काफ़ी अच्छा लगा है। आप लोग भी शायद एंजॉय किया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल में नया आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। एंड अगर आप लोग अपना दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।